जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बड़ा ही रोचक वीडियो है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण अवतार लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण के दो पत्नियां थी, एक सत्यभामा और दूसरी रुक्मणी। और भगवान कृष्ण की इन दोनों पत्नियों से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग है और ये प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में यही रोचक प्रसंग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आशा है आपको ये बहुत ही सुंदर और अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सत्यभामा और रुक्मणी जी दोनों ही कृष्ण की दीवानी थी, दोनों ही कृष्ण को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, मगर दोनों के प्रेम का तरीका अलग अलग था। रुक्मणी भगवान को शीतल जल चढ़ाती, प्रेम से मिलती, पूजा के फूल चढ़ाती और अपना प्रेम प्रकट करती थी। मगर सत्यभामा का तरीका कुछ अलग था। वो सज धज कर बैठती, नृत्य करती, पायल के गीत सुनाकर कृष्ण को रिझाने की कोशिश करती। अब एक दिन की बात है, रुक्मणी जी का जन्मदिन आया तो रुक्मणी जी ने कन्हैया जी को प्रेम से अपने महल में बुलाया। उस समय भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ थे। तो जब श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी आई और बोली, हे भगवान, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मेरे महल मेरे आंगन में पधारें। तो सत्यभामा बोली, हे नाथ, आज मेरे पास बहुत दिनों के बाद आए हो और मेरे घर से मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को समझाया, देखो आज रुक्मणी जी का जन्मदिन है और मुझे जाने दो। मगर सत्यभामा नहीं मानी, बोली, नहीं, आप मेरा दिल तोड़कर उस रुक्मणी के साथ कैसे जा सकते हैं, मैं आपको उससे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, तो आज तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अब भगवान पड़ गए धर्म संकट में। उसी समय नारद जी का वहाँ आगमन होता है। नारद मुनि को देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और बड़े ही प्रेम से नारद जी से कहते हैं, नारद जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, आज हमारे प्राण संकट में पड़ गए हैं। रुक्मणी जी कहती है, मेरे संग चलो, और सत्यभामा कहती है, हे नाथ, मत जाओ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब नारद जी बोले, भगवान, जिसका निमंत्रण पहले आया हो आप उसी के द्वार पर जाएं। तो कृष्ण भगवान रुक्मणी जी के साथ जाने लगे। सत्यभामा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो रूठ कर बैठ गई। भगवान रुक्मणी जी के साथ चले गए। सत्यभामा जी रूठी हुई बैठी है। अब नारद जी सत्यभामा के पास आए, बोले, नारायण 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 नारायण, हे देवी, आप क्यों गुस्से में खोई खोई सी बैठी है, मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताओ। अब सत्यभामा पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी, नारद जी के इस तरह छेड़ने पर बोली, नारद जी, आप तो रहने ही दो, ये सब आपका किया धरा है और अभी तो घाव भरे नहीं हैं और आपने फिर आग लगाने के लिए आप फिर आ गए। नारद जी बोले, नारायण नारायण माता, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहें तो आजमा लीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, सभी का सेवक हूँ। तो सत्यभामा बोली कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि भगवान मेरे सोतन के घर उस रुक्मणी के घर नहीं जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो। नारद जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस आपको एक छोटा सा व्रत रखना है, बोलो आप छोटा सा व्रत करने के लिए तैयार हो तो उपाय बताऊं। सत्यभामा बोली, बताओ तुरंत नारद जी। तो नारद जी बोले, अच्छा, तो एक व्रत करना है आपको, तो आप एक व्रत करेंगे, अपने पति का दान करेंगी। सत्यभामा बोली, वाह वाह नारद जी वाह, क्या उपाय बताया है, क्या उपाय ढूंढा है आपने, आपसे तो बस राम ही बचाए। दिन रात में जिस प्रीतम के भगवान कृष्ण के सपने देखती हूँ, आप तो उन्हीं का दान करने के लिए कह रहे हैं, उन्हीं को खोने की बात कह रहे हैं, वाह वाह क्या उपाय बताया है आपने, वाह। नारद जी बोले, ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रही हैं, वो बात नहीं है। तब सत्यभामा बोली, तो फिर कैसी बात है, आप तो कह रहे हैं कि व्रत करेंगी, क्या अपने पति का दान करेंगी। नारद जी बोले, ऐसी बात नहीं है देवी, बस आपको अपने पति का दान करना है और उनके बराबर सोना तोल कर जिसे आप दान करें उसे दे देना है और भगवान को वापस ले लेना है, बस इतना सा ही काम तो करना है और फिर भगवान हमेशा आपके पास ही रहेंगे। सत्यभामा के बात जम गई, उन्हें अपने सोने चांदी पर भी अहंकार था, तो बोली, बस इतना सा आसान सा उपाय,
भला सोने की मेरे पास क्या कमी है। तो बोला, आप तो व्रत की तैयारी शुरू करो। भामा जीती, रुक्मणी हारी। सत्यभामा बोली, नारद जी आप तो व्रत की तैयारी शुरू कर दो। व्रत शुरू हो गया। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को नारद जी को ही दान कर दिया। अब उन्हें भगवान कृष्ण के वजन के बराबर सोना नारद जी को देना था, तो उन्होंने तय किया कि वो भगवान कृष्ण को अपने गहनों से तोलेगी। तो श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो बस वो मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं, तराजू में बैठ गए। तराजू में सत्यभामा ने भगवान को एक पलड़े में बिठा दिया, दूसरे पलड़े में वो अपने गहने रखने लगी। अब भला सत्यभामा के पास गहनों की क्या कमी थी, लेकिन ये क्या, श्री कृष्ण का पलड़ा जरा भी नहीं हिला, जस का तस रहा। जब सारे गहने समाप्त हो गए तो महल का सारा सोना धीरे 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 पलड़े में रखा गया, मगर पलड़ा हिला नहीं। अब वो हार कर बैठ गई। अपने तन के, अपने बदन के सारे आभूषण भी उन्होंने उतार कर पलड़े में रख दिए, मगर पलड़ा तस का तस रहा, हिला नहीं। और जब सारा सोना समाप्त हो गया तब नारद जी बोले, ये आपका सारा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। तब सत्यभामा बोली, नारद जी मेरे पास जो कुछ भी था मैं सब लेकर आ गई हूँ, अब आप ये सारा सोना रख लीजिए और मेरे कृष्ण को मुझे लौटा दीजिए। नारद जी बोले, वाह देवी वाह, ये जरा सा सोना लेकर मैं आपको कृष्ण दे दूँ, ये मोहन है या कोई खिलौना है? या तो आप मुझे इनके वजन के बराबर सोना दीजिए या फिर इन्हें भूल जाइए। अब ऐसा बोलकर नारद जी बोले, चलो भगवान, अब आप मेरे हो गए हो, मेरे हो चले हो, अब मैं तुम्हें संसार में बेचूंगा, दासों के बाजार में बेचूंगा। नारद जी की बात सुनकर सत्यभामा के मुंह से आह निकल आई। वो जोर से बोली, स्वामी। नारद जी बोले, कैसा स्वामी, किसका स्वामी, अब तो स्वामी की होगी नीलामी। ऐसा बोलकर नारद जी भगवान की बोली लगाने लगे। भगवान से बोले, लो कन्हैया ये बांसुरी पकड़ो, ये तंबूरा भी पकड़ो, अब तो आपकी बोली लगेगी भगवान बोली। भगवान कृष्ण चुपचाप पलड़े में बैठे मुस्करा रहे थे। नारद जी ने बोली लगाना शुरू किया, सुनो सुनो जाने वालों, ये सस्ता माल है उठा लो, फिर नहीं मिलेगा खरीद लो, सबके मन की आस बेचूं, देखो देखो कितना सुंदर दास बेचूं, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया। अब सत्यभामा जी कृष्ण की इस प्रकार नीलामी होते देखकर बोली, नारद जी मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप इस तरह से मुझे बदनाम ना करें और मेरे कृष्ण को नीलाम ना करें। नारद जी बोले, देवी जी जो अपना घर जलाए उसकी बिगड़ी अब कौन बनाए, कृष्ण को आपने मुझे दान कर दिया है और वापस लेना है तो इनके बराबर सोना दो या फिर भूल जाओ, या तो इनके बराबर सोना दो और कृष्ण को ले लो। अब सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, वो काफ़ी दुखी हो गई, सोना तो उनके पास जो था सारा समाप्त हो गया। तभी रुक्मणी जी वहाँ आई। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बताई। सत्यभामा ने रुक्मणी जी से कहा, बहना मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी भूल को माफ़ कर दो, कोई जतन करो, कोई जतन करो, मेरे कृष्ण को मुझसे मिला दो। भामा का प्रेम देखकर रुक्मणी जी बोली, भामा मैं तुझ पर वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी, और क्या ये दुख केवल तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। रुक्मणी जी बोली, भगवान ना माया से मिलते हैं ना शक्ति से, वो तो केवल केवल और केवल भक्ति से मिलते हैं। इतना कहकर रुक्मणी जी तुरंत पूजा का सामान उठाकर लाई। उन्होंने भगवान की पूजा की और जिस पात्र में भगवान का चरणोदक था, जिस पात्र में उन्होंने भगवान के चरण धोकर जल रखा, उसे उठाकर उन्होंने गहनों वाले पलड़े पर रख दिया। सारे गहने हटा दिए गए और देखते ही देखते भगवान का पलड़ा हल्का पड़ गया, बरोबर हो गया। ढेर सारे गहनों से जो बात नहीं बनी वो चरणोदक के छोटे से पात्र से बन गई। सत्यभामा ये सब आश्चर्य से देखती रही, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तब नारद जी ने भामा को समझाया, सुनो देवी, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी और गहनों का नहीं है, भावना का होता है। रुक्मणी जी की भक्ति और प्रेम की भावना भगवान के चरणोदक में समा गई। भक्ति और प्रेम से भारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। भगवान की पूजा भक्ति भाव से की जाती है, ना कि सोने चांदी से। पूजा करने का सही ढंग भगवान से मिला देता है और अहंकार भगवान से दूर कर देता है। आपको अपने सोने चांदी का अहंकार था तो आपने भगवान को दान करने की बात स्वीकार कर ली, मगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान को सोने चांदी में नहीं तोला जा सकता है।
सत्यभामा को नारद जी की बात समझ में आ गई। तो ये था रुक्मणी जी और सत्यभामा के बीच हुआ बड़ा ही रोचक प्रसंग, जो बताता है कि भगवान को आप सोने चांदी से नहीं खरीद सकते हैं, बस भगवान आपकी भावना को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आशा है ये रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी, यह रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।